मेरा ड्रीम था मैम के साथ काम करने का एक्चुअली, क्योंकि बहुत शुरू से, इसलिए क्योंकि जब से मैंने एक्टिंग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में था और हम फिल्में देखते थे, तो बहुत 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 सारी फिल्में ऐसी थी जिनमें बहुत छोटी छोटी डिटेलिंग्स पे काम करती थी मैम, इन स्पाइट ऑफ दैट कि वो कमर्शियल फिल्मों में भी काम करती थी और एट द सेम टाइम जो एक्टिंग का जो उनका पैरामीटर तो बहुत ही एक्टर को इंस्पायर करने वाला होता था. तो मैं तब से एक मेरा ड्रीम था कि अगर लाइफ में कभी ऐसा हुआ तो ज़रूर काम करूँगा. और वो मैंने सेट पे भी देखा, इतना पेशेंस और इतना मतलब अगर शॉट दो घंटे के बाद भी है लेकिन बहुत ही पेशेंस के साथ. ये बहुत सारी चीज़ें होती जो सीखने वाली, जो ऑफकोर्स मैं मंटो में भी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मंटो में हमारा बहुत ही हैक्टिक और बहुत ही एग्जॉस्ट करने वाला शेड्यूल है, लेकिन बिकॉज ऑफ मैम के वो झेलना भी आना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी होता है. तो बहुत कुछ सीखा मैंने एज एन एक्टर ऑफकोर्स. और फिल्म में तो खैर फिल्म तो जब रिलीज होगी जब तब पता चलेगा, क्योंकि उसमें बहुत ही खूबसूरत इमोशंस हैं और बहुत ही हम लोगों ने बहुत मेहनत की है उसमें. कई जगह पे शेड्यूल किया दिल्ली में यहाँ वहाँ, तो मेरा तो एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा है इस फिल्म के साथ. थैंक यू सो मच नवाज भाई. मैम दिस वन्स फॉर यू, आप सिर्फ हाई बोल दीजिए बस हो जाएगा. नो या जिससे हाई ना मैम. ओके सॉरी, आई एम सॉरी गाइस देविका. या सो कमिंग बैक टू द मूवी मॉम, you know, 50 years in the industry, 300th film, still you look as fresh as ever. So acting, wo passion ke alawa, what is that one thing that drives you? Well, first of all, good evening, everybody. It's good to see you all here after, I think, 4.5 years. working in Mom was a very beautiful experience for me. And it's really wonderful to work. इस फिल्म में मैं काफ़ी लोगों के साथ पहली बार काम कर रही हूँ, जैसे नवाजुद्दीन जी. इट्स रियली आई मीन वंडरफुल टू सी हिम ऑन स्क्रीन. इट्स रियली एंड इज अ गिफ्टेड एक्टर एंड आई एम अ ह्यूज एडमायरर ऑफ हिज वर्क. आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर हिम एज एन एक्टर. और ऑफकोर्स रवि माई डायरेक्टर, ही ब्रॉट सो मच पॉजिटिविटी on the sets, and he had such a wonderful vision for Mom. And of course, Boni ji, matlab I'm not saying this because of he's a wonderful producer and he's like adorable. He goes all out to please everybody. And of course, Akshaye Khanna is such a powerful performer, and Adnan ji and Sajal, who's such a stunning and beautiful actor. I'm really missing them here today. And we really enjoyed making Mom, and I hope you all feel the same after watching the movie. Thank you. Thank you so much, ma'am. I've had my moment of glory. So now it's over to the media. Aap log ke jo bhi sawal hain, bas ek guzarish hai, we'll keep the questions related to the movie and the release date, of course. Ji. थैंक यू सर, वी लव यू. पहले ही सवाल मैंने कहा. प्लीज प्लीज जी, पिक्चर बन गई और किसी और ने काम किया और पार्ट टू भी बन गई और पिक्चर बहुत चल रही है, और उसके बारे में क्या बात करेंगे जी. थैंक यू मैम. आपके लेफ्ट में जी, सवाल मेरा ये है कि एक तो आप खुद मॉम भी हैं और ऑन स्क्रीन भी मॉम, आपको इंग्लिश में भी हमने देखा. इस दफे क्या तैयारियां थी, किस तरीके से आपने इस किरदार को प्री एंड पोस्ट में जिया? जी मैं 3 महीने बोनी जी के साथ, बोनी जी से बात नहीं की. ओ दैट्स एज अ हस्बैंड बात नहीं की, बट एज अ प्रोड्यूसर मैं था. आई यूज्ड टू से गुड मॉर्निंग इन द मॉर्निंग, आई मीन विश इट, एंड आफ्टर पैकअप आई से गुड नाइट सर. दिस ओनली कॉन्वर्सेशन आई हैड विद हिम. Well, I'm totally a director's actor. I surrendered totally to him, and I followed his vision, and I trusted him, and it's amazing. And he's did a wonderful job. And aap picture dekhenge, so I hope you all will feel the same. Thank you. Nawaz bhai, aapse bhi sawal hai ki kya memories aapki rahi dheere dheere badhte hue Sridevi
मैम और उनकी फिल्मों से कुछ अगर पर्टिकुलर फिल्म अगर आप जिक्र करें पढ़ाई के अलावा वाली फिल्में एनएसडी के अलावा हाँ कौन कौन सी फिल्में आपको याद आती हैं जब श्री मैम का जिक्र होता है बहुत सारी फिल्में हैं बहुत सारी सदमा से लेके और बहुत सारी फिल्में हैं जो मैंने देखी और चांदनी ये मतलब मैंने तो खैर सारी फिल्में देखी हैं तो सब फिल्मों का नाम कह लूँ तो सब फिल्मों से इंस्पायर होते थे उस वक्त पे भी अभी भी चालबाज भी याद है अगर डायरेक्टर साहब से सवाल होगा मेरा कि पहली चॉइस श्री मैम ही थी या कोई और भी था और थी तो पहली पहली चॉइस श्री मैम ही थी एंड आई एम रियली ऑनर्ड एंड आई एम हैप्पी दैट यू नो शी टुक इट अप एंड आई एम ग्लैड कोई और नहीं हो सकता था अब फिल्म देखेंगे तो समझ जाएंगे नवाज अभी मिस्टर इंडिया का जिक्र हुआ अगर टू बनती है तो आप हिस्सा होना चाहेंगे क्योंकि मैम तो रहेंगे उसमें मैं क्यों नहीं होना चाहूंगा मेरे लायक कुछ होगा तो मोनी सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे मिस्टर इंडिया टू का भी जिक्र हो गया वेल मिस्टर इंडिया टू जरूर बनेगी इस वक्त हम इधर सिर्फ मॉम के बारे में बात करें तो बेहतर रहेगा श्री मैम विकास फ्रॉम न्यूज नेशन जब भी आप कोई फिल्म करती हैं तो क्या क्राइटेरिया होता है हरी झंडी कैसे मिलती है उस फिल्म को क्या स्क्रिप्ट पर स्क्रिप्ट देखकर या फिर क्या क्या चीज सबसे या डेफिनेटली सबसे पहले फॉर मी स्क्रिप्ट व्हेन आई हर्ड मॉम स्क्रिप्ट इट्स रियली टच्ड मी इट्स रियली मूव्ड मी एंड आई फेल्ट रियली नाइस अबाउट द स्टोरी सो दैट्स द रीजन आई डिड दिस मूवी He's put on little weight. And I've lost hair. Well, his passion for the movie and the dedication, everything. I think every film is growing, what I can see. Hi, Sridevi. After English Winglish, I'm sure a lot of directors would have come your way with a lot of plump offers. But with English Winglish, you worked with Gauri and now with Ravi, sir. Did you not think of any big new film, big filmmaker to come up with for the second project? As in, why new directors and why not an established one? But why not do new directors? Hello, Nawaz. Also, the poster has, you know, three, the poster of Mom. And love, suspect, and trust. What are these three words? As in, what do these three words mean to you? How would you describe them? So actually, if you see three characters, it's their conflict, you know, the love between Ma'am and his daughter, and trust between the character Nawaz is playing and Ma'am. It's the conflict of all three characters coming together. So that, you know, those words are, you know, it's there. Conflict which we are trying to portray. Nawaz? Hello, here, to your left. Aapka scene jo tha trailer mein. Hello? Yeah, aapka scene tha. So you were speaking very differently. How much preparation did it go in the role? Actually, wo Ravi ke dimaag mein tha jo bhi get up aur ye sari cheeze. Aur hum logon ne फिर उन्होंने बोनी सर को परेशान किया कि इस तरह का मुझे चाहिए नमाज इस तरह का दिखना चाहिए तो फिर उन्होंने सारी चीज़ें अवेलेबल कराई और फिर जो भी जो भी आप देख रही हैं आई थिंक मेरा तो बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन है रवि का ज़्यादा है एक्चुअली उसमें सारा जो डिज़ाइन था वो पूरा इन लोगों ने रवि ने बैठ के वो पूरा डिज़ाइन किया था And he just, you know, just took it upon and he just transformed. And all those smaller mannerisms, I think he's just being polite, but it, you know, it's him. The first day of my shooting, I was waiting for Nawazuddin ji. Then I asked Ravi, abhi kahan hai? So he said, ye, yahan. He was standing right next to us. Sridevi ji? आपने इस फिल्म को 3 से 4 लैंग्वेजेस में डब किया है ऑल्दो उन पूरी सिटीज में जाकर और खुद से कैसा एक्सपीरियंस था
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बट इट्स लिटिल डिफिकल्ट टू डब इन ऑल द लैंग्वेजेस, बट इट्स ग्रेट एक्सपीरियंस. मेरा एक और क्वेश्चन है नवाज जी और आपसे कि कमल हासन ने हाल ही में एक बयान दिया है कि जो GST है वो एंटरटेनमेंट पे 28% लग रहा है, जो कि 10-15% होना चाहिए, और इससे अगर 28% लगेगा तो सिनेमा को काफी नुकसान होगा. तो मैं ये जानना चाहूंगी कि उनके बयान से क्या आप सहमत हैं अबाउट द GST? तो बहुत टेक्निकल है, मैं खुद ही मैं कितना टैक्स जाता हूं मुझे खुद ही पता नहीं होता. धोनी सर, अगर आप कुछ इस बारे में बता पाए, क्योंकि डेफिनेटली प्रोड्यूसर्स भी अफेक्ट होंगे इस चीज से. हाँ, डेफिनेटली अफेक्ट होंगे, और प्रोड्यूसर्स की बॉडी चाहे वो मुंबई की हो या साउथ में चेन्नई, हैदराबाद, बंगाल, हर प्रोड्यूसर्स की एसोसिएशन इसके बारे में अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर से बातचीत कर रही हैं, और मुझे उम्मीद है कि इट वुड बी अ कंस्ट्रक्टिव मूव एंड वी शुड लुक एट द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ दिस एंड होपफुली द एक्ट वुड प्रूव अ बून रादर देन अ डिबेटिंग पॉइंट फॉर अस. ये तो कॉन्फ्लिक्ट है, ये तो है. रिलीज होगी तब पता चलेगा. पर्दे पे सारी चीजें अभी थोड़े ना, अभी पत्ते सारे थोड़े ना खोल देंगे. I'm very happy you're feeling that way. It suits us. Shri ma'am, मेरा एक सवाल है. Shri ma'am, जल्दी जानवी भी फिल्मों में आने वाली हैं. तो as an actor, आप क्या टिप्स देती हैं? जी अभी आप जानवी के मॉम के बारे में बात कीजिए ना. जानवी के बारे में बाद में बात करेंगे. नवाज आपके लेफ्ट में, आपने हमेशा हमें सरप्राइज किया अपने डेब्यू फिल्म से लेकर, और आज मॉम में आप बहुत बेहतरीन लग रहे हैं. जो फिल्म की अगर सब्जेक्ट इसमें 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 दोनों में अगर हम बात करें, फिल्म का जो सेंट्रल सब्जेक्ट है वो एक वुमेन कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूम रहा है. रिसेंटली आपका एक एड आया था जिसमें काफी नेगेटिव पॉइंट्स मिले थे आपको. नेगेटिव बात हुई थी कि उस एड में आपने डोमेस्टिक वायलेंस को काफी प्रमोट किया था, काफी कुछ लोगों ने कहा था उस बारे में. आपने कुछ आपकी तरफ से कुछ रिएक्शन हो जाए? या मेरी, मैंने माफी भी मांग ली थी उसको करके, और वो बहुत पहले का किया हुआ है मेरा, तो वो अचानक से ऐसे टाइम पे आ गया जहाँ पे सब बहुत ज्यादा, मतलब मुझे भी अभी वाकई थोड़ा, मतलब डायलॉग भी थोड़ा संभल के बोलने पड़ते हैं अब तो आगे से ख्याल रखूँ. मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, ये सोशल प्लेटफॉर्म नहीं है, हम अपनी फिल्म का ट्रेलर अनवील करने हैं, तो लेट अस रिस्ट्रिक्ट ऑल व्हाट वी टॉक पर्टेनिंग टू द फिल्म. हेलो बॉनी जी, आरती सक्सेना. जी जी, कहाँ हैं? कहाँ हैं? या. जी जी जी. मेरा सवाल है कि इससे पहले एक फिल्म आई थी मात्र, और बहुत कंपेयर की जा रही थी मॉम और मात्र की, तो मुझे ये जानना था कि कितनी डिफरेंट है ये फिल्म. ये आप देख के मुझे प्लीज बताइएगा. नहीं, उसी टॉपिक पे है रेप, और ये आप देख के, ये देख के बताइएगा. ओके. और श्री जी से मेरा एक क्वेश्चन है कि श्री जी हमेशा ग्लैमरस रोल के लिए पहचानी गई है, और लोग देखना भी चाहते हैं उनको हवा हवाई स्टाइल में, तो क्या वजह है कि आप एकदम सिंपल रोल्स कर रही हैं? आप तो अभी भी उतनी ब्यूटीफुल हैं जितनी पहले थी. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स. आई डोंट नो, मतलब जो मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ, जो कैरेक्टर मुझे सूट करती है, आई थिंक आई शुड डू इट ना. थैंक यू सो मच. वी विल जस्ट टेक वन लास्ट क्वेश्चन प्लीज. हाय श्री जी, एक सेकंड, एक सेकंड, बिफोर एनी क्वेश्चन, सी आपने नवाज के रोल के बारे में, कैरेक्टर के बारे में काफ़ी बातचीत सुनी और कही. एक जो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि ही स्पोक ऑफ पेशेंस ऑफ माई वाइफ, बट आई फील ही वॉज इक्वली पेशेंट, बिकॉज एवरी टाइम ही केम ऑन सेट ही हैड टू डिवोट ऑलमोस्ट 3 to 4 hours टू गेट रेडी विद ऑल द प्रोस्थेटिक्स, ऑल द काइंड ऑफ मेकअप दैट ही हैड. एंड Hi Shri ji, एक लास्ट क्वेश्चन. हेलो Shri ji, हेलो. वन लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द मूवी. यू हैव कंप्लीटेड 50 इयर्स इन द इंडस्ट्री, तो क्या आप कोई अपना मेमोरियल या ऑटोबायोग्राफी लिखना चाहेंगी जिससे उस दौर की चीजें हमें पता लगे? जी मुझे ऐसा लग रहा है ये मेरी पहली पिक्चर है. आई एम फीलिंग लाइक अ न्यू कमर, सो इट्स लॉन्ग वे टू गो. हाय दिस इज जयंती. मेरा सवाल इस फिल्म के प्रोड्यूसर से है, यहां पे टू एट योर लेफ्ट.
मेरा सवाल इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स से है क्योंकि बाहुबली का जो सक्सेस हम देख रहे हैं तो जिस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ स्क्रीन्स की वजह से जो सक्सेस था तो मॉम इस फिल्म के बारे में डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा बताएंगे प्लीज. सुजय साहब इसके बारे में बात कर सकते हैं. टू डिफरेंट मूवीज बट डेफिनेटली विल बी सीन एवरीवेयर दैट मच आई कैन टेल यू. थैंक यू सो मच सर. जय महेश मती से जय मोमेश मती तक चलते हैं हम. दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन. जोरदार तालियां हो जाए यहां पे मॉम की पूरी कमाल की टीम के लिए. वी विल हैव क्विक फोटो ऑप्स.